पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे। सीएम योगी राजकीय वायुयान से मुरादाबाद मूढ़ा पांडे हवाई पट्टी पर पहुंचे। वहां से हेलीकॉप्टर से सर्किट हाउस आए। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद सीएम आर्यवीर महासम्मेलन में हिस्सा लेने कार्यक्रम स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर सांस्कृतिक आंदोलन तक में आर्य समाज की बड़ी भूमिका रही है और उसे भुलाया नहीं जा सकता। जब शुद्धिकरण आंदोलन में प्रोधा स्वामी श्रद्धानंद जी की विधर्मियों ने हत्या कर दी थी, स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा जलाई गई स्वतंत्रता और शुद्धिकरण की ज्वाला ने देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कि भारत के अंदर आजादी के आंदोलन को एक नई गति देने के लिए आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। स्वदेशी हो या क्रांतिकारियों की एक बड़ी टीम आजादी के आंदोलन के साथ नेतृत्व देने के लिए उस कालखंड में खड़ा करने में आर्य समाज ने बड़ी भूमिका का सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। पूरे देश के अंदर आयोजित करने की बात थी, यद्यपि विगत 8 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को, एक उभरते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है जो सपना कवि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखा था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने देखा था, आर्य समाज के पूज्य संतों ने, आर्य समाज के उन सभी प्रोधाओं ने देखा था, वही सपना आज साकार हो रहा है जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त होती है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या जाकर के मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज इस कार्यक्रम में वहां उपस्थित थे। केदारपुरी का पुनरोद्धार का कार्यक्रम होता है भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का संगनाथ वैश्विक मंच पर एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने का अभियान है। जब योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थान सम्मान दिलाकर के 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर आह्वान होता है और वह तब भारत के लिए गौरव का दिन होता है।